Clash of Clans. फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल, आई एम अंकुर एंड यू आर वाचिंग गेमर अंकुर। गाइस इस वाली वीडियो में मैं आपको क्लैश ऑफ क्लैंस का फुल हिस्ट्री बताने जा रहा हूं। तो गाइस जैसे आप जानते हैं कि 6 ईयर से चल रहा है क्लैश ऑफ क्लैंस, मतलब फर्स्ट लॉन्च हुआ था iOS प्लेटफॉर्म में 2012 में 2 अगस्त एंड एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में गूगल प्ले में लॉन्च हुआ था 2013 साल का 7 अक्टूबर। तो गाइस ये 6 साल का जो चलते आ रहे एंड अभी 2019 का जनवरी है। तो गाइस पूरा हिस्ट्री मैं बताने जा रहा हूँ इस वाली वीडियो में। तो भाई अभी तक जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अपने चैनल नया है भाई लोग सब्सक्राइब कर दो, बाजू वाला बेल आइकन दबाओ एंड अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्लैश ऑफ क्लैंस का हिस्ट्री तो बहुत बड़ा है, 2012 से लेकर 2018, तो गाइस 6 साल का हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ मैं। एंड गाइस स्पेशली क्लैश ऑफ क्लैंस का ईयर में 3 इवेंट आता है, क्लैश ऑफ क्लैंस एनिवर्सरी एंड क्रिसमस एंड हैलोवीन। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा हैलोवीन ऑब्स्टेकल, क्रिसमस ट्री एंड क्लैश ऑफ क्लैंस एनिवर्सरी यहाँ पर ऑब्स्टेकल। तो गाइस केक, तो गाइस देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं 2012। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं 2012 से। तो गाइस उस टाइम में जब COC आया था ना हमारे, तो उस टाइम में बेस में एक वाटरफॉल हुआ करता था बेस के एक साइड में। एंड गाइस बहुत सारा चीज़ नहीं था, सिंपल था एकदम क्लैश ऑफ क्लैंस। टाउन हॉल 8 मैक्स टाउन हॉल था। एंड गाइस उसके बाद एक अपडेट आया, तो हाइडन टेस्ला एंड स्पेल्स आया। एंड गाइस बहुत सारा अपडेट मन आता है ईयर में, बट एक साथ ही कह देता हूँ ठीक है, आसानी होगा, थोड़ा वीडियो भी थोड़ा कम टाइम का बनेगा तो समझने भी थोड़ा आसानी होगा। तो गाइस नेशनल फ्लैग आया, ग्राफिक इम्प्रूवमेंट हुआ, विजर्ड टावर तरह की धीरे धीरे डिफेंसेस ऐड होते रहे एंड वॉल टाइम हटा दिया गाइस। हाँ एकदम ठीक समझे आप, क्योंकि वॉल टाइम बिल्ड करने का पहले टाइम लगता था। एंड TH9 आया उसके बाद, जो कि मेजर अपडेट है। एंड उसके साथ एक्सबो आया जो कि बहुत तगड़ा डिफेंस है एंड जंप स्पेल। तो गाइस उसी अपडेट ने बिल्डिंग सेल करने का ऑप्शन भी हटा दिया उन्होंने, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होता था इससे, बहुत प्लेयर्स अपने इंपॉर्टेंट चीज़ को बेच देते थे इसलिए बहुत प्रॉब्लम होता था। तो गाइस सीजनल अपडेट तो आता ही रहता है ईयर में, तो मैंने कह दिया था हैलोवीन अपडेट, क्रिसमस अपडेट एंड एनिवर्सरी। तो गाइस पहले जब स्टार्ट हुआ था क्लैश ऑफ क्लैंस तो हैलोवीन अपडेट आए थे एंड डिफेंडिंग सीसी का वॉल जंप करना भी ऐड किया था ठीक है, एंड स्पेल्स फैक्ट्री एंड बैरक्स को बूस्ट करने का ऑप्शन। एंड 2013 में गाइस स्टार्ट होता है साल 2013 एंड उसमें किंग क्वीन ऐड हुए थे एंड डार्क लिक्सर ट्रूप्स। तो गाइस किंग क्वीन और एंड डार्क लिक्सर ट्रूप्स के लिए तो चाहिए डार्क लिक्सर, तो ड्रिल एंड स्टोरेज भी ऐड किया गया था एंड लिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेजर अपडेट है। तो गाइस लिक्स भी ऐड किया हुआ था क्योंकि प्लेयर को लिक्स में हिसाब करके उसका पोजीशन माना जाता था ठीक है। एंड उसके बाद एक बहुत बड़ा अपडेट आया टाउन हॉल 10 एंड गाइस इन्फर्नो टावर भी आए थे उसके साथ, बहुत बैलेंसिंग किया गया था एंड गाइस कुछ स्पेल्स एंड क्लैन लेवल ऐड होता रहा एंड अटैक एंड डिफेंस के रिप्ले शेयर कर पाते थे अब तब। एंड न्यू ट्रूप लेवल स्पेल लेवल भी ऐड हुए थे। एंड गाइस विलेज एडिट मोड आया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, विलेज एडिट मोड आया था एंड ट्रैप को अपग्रेड पर कर पाते थे उस टाइम। एंड गाइस एलिक्सर स्पेल से कर दिया था, मतलब एलिक्सर पहले गोल्ड से होता था एंड उसको एलिक्सर कर दिया था। एंड गाइस इन्फर्नो का लेवल थोड़ा अप होता है, थोड़ा बैलेंसिंग तो करते हैं सुपर सेल, तो इसलिए 2013 ख़त्म एंड 14 स्टार्ट। तो गाइस 2014 में हीरोज़ की एबिलिटी आए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले हीरोज़ की कोई एबिलिटी नहीं थे। एंड गाइस क्लैन में कोरिडर एल्डर का डिफरेंस हो गया, मतलब कोरिडर एल्डर का थोड़ा पावर कम ज़्यादा कर दिया था। एंड गाइस स्पेशली कोरिडर एल्डर बना। एंड गाइस वॉर एडिट मोड कर दिया था, जैसे कि विलेज एडिट मोड है तो वैसे वॉर एडिट मोड कर दिया था एंड कुछ इम्प्रूवमेंट किए थे गेम में। तो गाइस
TH3 से विलेज एडिट मोड दे दिया था एंड ट्रूप्स लेवल तो अप होता है एंड ग्राफिक इम्प्रूवमेंट एंड हीरोज का इंटेलिजेंस अच्छा किया था, मतलब इधर उधर भटक के नहीं जाता था, इसलिए थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर दिया था इंटेलिजेंस का हीरो का। एनी है फिर भी इधर उधर घूम नहीं जाता था, इसलिए अगर घूम नहीं जाए तो इसलिए ये अपडेट किया था। एंड गाइस बहुत मेजर अपडेट आया, ट्रूप आया था मतलब लावा हाउंड, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हिट पॉइंट एयर में। तो गाइस एंड वॉल इलिक्सर में कर पाते थे, ठीक है, वॉल इलिक्सर में पहले जो लो लेवल का वॉल है वो भी इलिक्सर से कर पाते थे, लेकिन वो हटा दिया था एंड टाउन हॉल 9 से आप वॉल एलिक्सर से कर पाते थे, ठीक है ना। एंड गाइस स्केलेटन ट्रैप दिया था उसका जो 2014 का जो हेलोविन अपडेट था उसमें। तो गाइस एंड लाइव स्पेक्टर भी आते थे, जब खुद के बेस में अटैक होता था तो लाइव स्पेक्टर भी देख पाते थे हम एंड मल्टीपल बेस लेआउट भी हम कर पाते थे उस टाइम में एडिट मोड में। तो गाइस यही एंड नेक्स्ट में आता है 2015। तो गाइस अब आता है 2015 साल, तो वहाँ पर हमें न्यू क्लैन लेवल एंड क्लैन पार्क्स अनलॉक हुआ एंड मिला। तो गाइस एंड जो एयर स्वीपर है वो भी अनलॉक हुआ था 2015 में एंड गाइस सेकेंड टाइम नेम चेंज करने का ऑप्शन मिला था हमें एंड न्यू वर्स मिलते थे TH10 से एंड डिस्ट्रक्शन परसेंटेज में वार हिसाब किया जाता था उस टाइम से, तो हमारे लिए प्लेयर विनर हिसाब करना थोड़ा इजी हो गया था। तो गाइस एंड TH11 का बहुत बड़ा मेजर अपडेट आया था एंड गाइस उसके साथ भी बहुत पावरफुल डिफेंस हीरो भी ऐड हुए थे, जिसका नाम है ईगल आर्टिलरी एंड ग्रैंड वार्डन, जो कि हमारा बहुत पावरफुल डिफेंस एंड हीरो है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। एंड गाइस ईगल का पहले इतना पावरफुल नहीं था बट एंड थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया ईगल का, मतलब डिफेंस का इंटेलिजेंस एंड उसका फेवरेट टारगेट गोलेम कर दिया। तो गाइस इसके बाद आता है 2016। तो गाइस इसमें नया ट्रूप आया एक हमारा, जिसका नाम है बॉलर, नया डार्क ट्रूप एम, हम फ्रेंडली चांस कर पाते थे 2016 से एंड बेबी ड्रैगन माइनस जैसे कुछ ट्रूप आया एंड क्लोन स्केलेटन कुछ स्पेल्स एंड हीरोज हीरो नहीं ट्रूप आया है, ठीक है। एंड गाइस बोम टावर आए थे न्यू, जो कि क्लैश रॉयल से लिया था, मिलता जुलता गाइस एकदम एंड 25 न्यू वॉल आए थे एंड फ्रेंडली वॉर फ्रेंडली चैलेंज फ्रेंडली वॉर इस तरह होते थे एंड सीजनल ट्रूप आइस विजर आया था क्लैश मास में एंड गाइस सांता स्पेल भी आया था एंड सीजनल ट्रैप कुछ टाइप का अपडेट आया था इवेंट में, ठीक है सीजनल। तो गाइस नेक्स्ट मूव ऑन द 2017। तो गाइस इसके बाद आता है 2017, जिसमें हमें TH11 के न्यू डिफेंस लेवल मिले थे एंड बैलेंसिंग अपडेट मिला था। तो गाइस बिल्डर हॉल आया था न्यू, जो अपडेट है हमारा जो न्यू बिल्डर हॉल अपडेट है बिल्डर बेस का। तो गाइस ये आया था 2017 में एंड न्यू ट्रूप्स आए थे इसमें एंड गाइस देख सकते हैं एंड कुछ टाइप के चीज़ आए थे, जैसे डिफेंसेस फायर क्रैकर क्लॉक टावर जैसे कुछ चीज़ आए थे एंड बिल्डर हॉल सेबेंड भी अपडेट में आए थे उसके बाद एंड जाइंट कैनन ड्रॉप कट के जैसे ट्रूप एंड डिफेंसेस आए थे। तो गाइस यहाँ पर एंड वैसे कुछ स्पेशल अपडेट तो नहीं था, लेकिन हेलोविन क्रिसमस तो हर साल में रहता है। एंड गाइस नेक्स्ट में देख लेते हैं 2018 का। तो गाइस 2018 का जो मेन अपडेट हमारा आया था, बहुत सारा अपडेट आया है, यहाँ पर मेरा बेस को देखिए आप समझ जाओगे कैसा अपडेट आया था। तो गाइस आर्मी कैंप बैरक एंड डिफेंस सब वगैरह में तो अलग अलग टाउन हॉल में अपग्रेड आता रहता है, बट 2018 में बहुत सारे न्यू चीज़ें आए हैं हमारे गेम में ऐड हुए, जो कि है यहाँ पर देख सकते हैं गाइस न्यू सीज मशीन ऐड हुए एंड कुछ एक्स्ट्रा बहुत चीज़ें ऐड हुए हमारे गेम में, जिसका हमारा गेम का तरीका ही फुल बदल के रख दिया है ना। तो यहाँ पर जो आर्मी कैंप देख सकते हैं गाइस, फुल ट्रूप्स देख सकते हैं, हमारा जो न्यू आइस गोलेम आया है एंड इलेक्ट्रो ड्रैगन आया है TH11 में अनलॉक होते हैं, जो
वो 2018 में आया है एंड आइस गोलम 2018 का एकदम लास्ट में आया है एंड उसके साथ बेस्ट बैट स्पेल भी न्यू आया है ऐड हुए गेम में गाइस, जो पहले नहीं था 2018 का अपडेट में। एंड गाइस सीज मशीन आया था, पहले दो सीज मशीन आया था, फास्ट है वॉल ब्रेकर एंड एयर बैटल बीम। एंड गाइस बहुत दिन बाद ये स्टोन स्लैमर अपडेट आए थे जो कि मैं अभी तक अनलॉक नहीं कर पाया, तो गाइस डोंट वरी। एंड गाइस आइस गोलेम अनलॉक कर लिया एंड बैट स्पेल भी अनलॉक कर लिया गाइस, तो बहुत सारा एंड ट्रूप लेवल एंड हीरोज लेवल भी आए थे। पहले टाउन हॉल 11 में हीरोज 50-50 एंड 20, मतलब किंग 50 क्वीन 50 एंड वार्डन 20 रहता था एंड अब किंग 60 क्वीन 60 एंड वार्डन 30 का चाहिए मैक्स आउट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं तो वार्डन का मैक्स कर लिया, यहाँ पर देख सकते हैं। एंड कुछ अपडेट्स आए हैं एंड बहुत सारे मैजिकल आइटम भी ऐड हुए हैं गेम में, जैसे हीरो पोशन, छुपे लो ऑब्स्टेकल एंड तरह तरह के रियून पोशंस एंड बुक्स वगैरह, हैमर वगैरह सभी हैमर आए थे जो कि बहुत यूजफुल चीज़ है। एंड गाइस बहुत सारा चीज़ें आई है एंड वार्डन का ये एयर ग्राउंड वाला कुछ स्पेशल एबिलिटी जो अटैक के टाइम चेंज कर सकते हैं, तो गाइस ऐसे बहुत सारे अटैक मतलब अपडेट आए हैं। एंड गाइस ट्रेडर आया है न्यू, यहाँ पर हमारा एंड क्लैन गेम आते हैं एंड क्लैन वर्ल्ड लीग स्पेशली जो बहुत बड़ा मेजर अपडेट है, मतलब किसी भी टीएच में खेलते सकते हैं एंड हाइयर टीएच चाहिए, बट लोअर लीग्स में हो गए तो फायदा ज़्यादा होगा क्लैन वर्ल्ड लीग में। एंड गाइस 2019 में शायद वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ रहा है क्लैश ऑफ क्लैंस का, तो यही था गाइस वीडियो। तो आई होप कि पसंद आया क्लैश ऑफ क्लैंस का फुल हिस्ट्री, आपको जान के बहुत मज़ा आया शायद। तो इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो भाई बहुत बड़ा चीज़ मिस हो गया एंड 2018 में तो यहाँ पर बिल्डरल 8 भी आए थे एंड उसके साथ सुपर पिक का जो कि बहुत पावरफुल ट्रूप्स आए थे, यहाँ पर देख सकते हैं उसका पावर ओवर पावर्ड है बहुत एंड मैक्स में एक्चुअली ओवर पावर्ड है, तो बहुत पावरफुल एंड हीरोज के भी एबिलिटी इंक्रीज किया हुआ गया था एंड बहुत सारे नए डिफेंस का भी लेवल अप किया गया था एंड यहाँ पर मेगा डस्ट लाए थे। ये बस नया चीज़ है वॉल्स एंड नया डिफेंस बिल्डिंग वगैरह का कुछ थोड़ा अप लेवल अप किया गया था एंड जो सुपर पिक का एंड बिल्डर लेट टोटल एंड मेगा टेस्ला ये सब अपडेट आए थे 2018 में बिल्डर बेस का। तो गाइज यही था अपडेट न्यूज़ एंड ऑल ईयर में गाइज जैसा चलते आ रहा है क्लैश ऑफ क्लैंस 6 ईयर से, तो बाय बाय, अच्छे रहिए सब।